सोते हुए इंसानों के पास में पहुंच जाता है। इसका जो जहर है कोबरा से भी 5 गुना ज्यादा जहरीला होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रजापत और रात के लगभग बजे हैं 12 और मैं अभी एक कॉमन करैत सांप को रेस्क्यू करके लेके आया हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसे कॉमन करैत और करैत के नाम से जानते हैं और इसको साइलेंट कलर के नाम से जानते हैं क्योंकि अभी रात के 12 बजे हैं तो ये ज़्यादातर नाइट में निकलने वाला सांप है। ये सूर्य ढलने से लेकर सूर्य निकलने तक इस चहल पहल रहती है। जैसे सूर्य ढलता है इसका निकलना शुरू हो जाता है और ज़्यादातर मिडनाइट में निकल के सोते हुए इंसानों के पास में पहुंच जाता है और उनको बिस्तरों पे काट लेता है। दोस्तों, इसके दांत इतने छोटे होते हैं कि जिस इंसान को काटा है उसको ठीक से पता भी नहीं चल पाता कि मैं इसने काटा हूँ या नहीं काटा, क्योंकि यह कोई भी बाइट मार्क नहीं छोड़ता कभी कभी और ना ही कभी कभी इसके काटने से कोई दर्द होता है। इसके दांत बहुत छोटे होते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि काले कलर के ऊपर आपको भाइट भाइट पट्टी आपको दिखाई देंगी। ये देखिए जो धागे के नुमा, एक मोटा धागे के नुमा ये पट्टी आपको दिखाई देंगी। दोस्तों, इसकी लंबाई 5 फीट तक हो सकती है लेकिन आपको ये ज़्यादातर 2 फीट से 3 फीट तक ही दिखाई देगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी साइज आमतौर पर इंसानों तक पहुँचती नहीं है। ये देखिए, ये बहुत ही शांत स्वभाव का सांप होता है, जल्दी से काटना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर गलती से हमारे बिस्तरों के आसपास पहुंच जाए और हमारा हाथ पैर पड़ जाए तो ये काट लेता है। दोस्तों, ये भारत का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप है और इसका जो जहर है कोबरा से भी 5 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। अभी देखिए, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये कॉमन करैत है। ये देखिए, इसके ऊपर सफ़ेद फट्टे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये लगभग 1 से 1.5 इंच के गैप पर आपको बीच में दिखाई देंगे और पूंछ पर इनकी दूरी थोड़ी कम हो जाएगी। ये सफ़ेद पट्टे होते हैं। दोस्तों, ये सांप काला होता है लेकिन कोबरा से ख़तरनाक होता है और कोबरा की तरह इसके फन नहीं होता, ये भी इसकी एक पहचान है। इसकी आपको जीभ थोड़ी गुलाबी दिखाई देगी बाकी सांपों से अलग। और नीचे की साइड से देखिएगा, ये पूरा वाइट होता है, नीचे की साइड से पूरा वाइट वाइट होता है। दोस्तों, ऐसा सांप कभी भी काट जाए तो सीधा हॉस्पिटल जाना है, हमें कोई झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना क्योंकि झाड़ फूँक किसी भी सांप के काटने का इलाज नहीं है। अगर ये कॉमन करैत सांप या कोई भी जहरीला सांप काट जाए तो सीधा हॉस्पिटल जाएं, हॉस्पिटल में जाके आपकी जान बच सकती है। दोस्तों, झाड़ फूँक के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अभी बारिश का समय है और ये बहुत ज़्यादा निकल के इधर उधर घरों में घुस जाते हैं। अगर इनसे आपको बचाव रखना है तो घरों में से चूहे को भगाना पड़ेगा और घरों में साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करके सोना चाहिए ताकि हम इनसे बचे रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर रिलीज कर रहा हूँ और ये साक्षात यमराज है। इसने काटा तो आपको कोई नहीं बचा सकता अगर आपने एंटी वेनम टाइम पे नहीं ली तो। ये देखिए,